फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा सोशल मीडिया पर फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं। बीते दिन वो नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन भारी भीड़ जमा होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब उनको जमानत मिल गई है। दरअसल नोएडा पुलिस ने गौरव तनेजा को धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार किया था। गौरव नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुँचे थे। उनकी पत्नी ने बर्थडे सेलिब्रेशन का वेन्यू और टाइम भी अपने वीडियो में बताया था। उन्होंने वीडियो में कहा है कि मैं अभी चाय बना रही हूँ, जल्द ही दोपहर 1:30 बजे नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर हीरा सूट के सामने मिलते हैं। इसके बाद मेट्रो स्टेशन पर उनके हजारों फैंस पहुँच गए, जिसके चलते वहाँ अफरा तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया। अपने चहेते यूट्यूबर को देखने की चाहत में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। गनीमत रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो फौरन फोर्स मौके पर पहुँच गई। पुलिस ने हालात कंट्रोल के लिए और घटनास्थल से ही यूट्यूबर गौरव तनेजा को हिरासत में ले लिया। फिर 2 घंटे हिरासत में रखने के बाद तनेजा का नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर धारा 341 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरव पर बिना परमिशन भीड़ को सेलिब्रेशन के लिए बुलाने का आरोप लगा है, वो भी तब जब नोएडा में धारा 144 लागू है। हालांकि रात में ही गौरव तनेजा को बेल मिल गई। छूटने के बाद देर रात उन्होंने घर में पत्नी संग जन्मदिन मनाते हुए वीडियो शेयर किया। बता दें कि यूट्यूबर गौरव तनेजा के इंस्टाग्राम पर 30 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि यूट्यूबर पर उनके चैनल पर 70 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने 9 जुलाई को इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की जानकारी दी थी।